बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मंजिल इस बिल्डिंग का नाम सारा मंजिल है, दामद गांव नेरल में। ये दामद गांव का मेन एंट्रेंस रोड है, सीधा हाईवे पर दो मिनट में जाते हैं चल के। ये मेन रोड है दामद गांव का। ये देखिए सारा मंजिल का बोर्ड लगा है यहाँ पे, कमर्शियल शॉप भी अवेलेबल है। मेन रोड पर है ये गांव का। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फ्लोर के स्लैब की तैयारी चल रही है। ये G+4 बिल्डिंग है और टारगेट है इंशाल्लाह जनवरी 2022। एक आध महीना आगे पीछे प्लस हो सकता है, प्लस माइनस। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फ्लोर के स्लैब का काम चल रहा है। ये मेन रोड से लगकर है दामद गांव के। ये कमर्शियल एरिया है, 150 से 200-250 तक एरिया के गाले अवेलेबल हैं। ये मेन कंपाउंड है, इस बोर्ड से लगकर कंपाउंड वॉल बनेगी। ये पूरा कंपाउंड एरिया बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए काम अच्छी स्पीड में चल रहा है माशाल्लाह। ईंट का काम है, ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे हैं। आइए अंदर की तरफ चलते हैं, आपको रेडीमेड एक सैंपल फ्लैट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पानी भी माशाल्लाह 24 घंटा है यहाँ पे। ये पानी की टाकी है, ये देखिए काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है माशाल्लाह। एक एंट्रेंस यहाँ पर है और एक एंट्रेंस यहाँ पर है, स्टेयरकेस। और ये बिल्डिंग का एक्चुअल मेन एंट्रेंस है ये। ये देखिए आपको रोड नज़र आ रहा है सामने जो हाईवे पर जाता है। आइए आपको सैंपल फ्लैट की तरफ ले चलता हूँ कि देखिए इंशाल्लाह बिल्डिंग तैयार होने के बाद फ्लैट कैसा नज़र आएगा। ये देखिए अभी फ़िलहाल ऑफिस के लिए यूज़ किया जा रहा है इसे। UPUP सीलिंग बनाई है, मेन एंट्रेंस। टॉयलेट बाथरूम सेपरेट। ये टॉयलेट है, फुल वॉल टाइल्स का काम किया हुआ है। देखिए ये बाथरूम है, ये भी फुल वॉल टाइल्स का काम किया हुआ है। पानी भी माशाल्लाह 24 घंटा है। ये है किचन, पीछे साइड का व्यू है। और स्कूल के जस्ट पीछे ये देखिए, ये सुमैया इंग्लिश हाई स्कूल है, ये वाली स्कूल बिल्कुल पीछे साइड पर है। इंशाल्लाह यहाँ पर इस एरिया में भी वज़ू खाना बनेगा, नमाज़ की सहूलत के हिसाब से एक प्रेयर रूम भी बना रहे हैं।
ये वन रूम किचन, ये एक रूम दिया है। ये देखिए पीओपी सीलिंग भी बना के रखी है, कस्टमर अगर चाहे तो ये भी बना के दे सकते हैं, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है। ये देखिए रूम की हाइट भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। सिंपल फ्लैट, काम स्पीड में चल रहा है। ये एरिया नमाज के लिए रखे हैं इंशाल्लाह, प्रेयर रूम एज अ प्रेयर रूम की हिसाब से, ताकि लोगों को नमाज की भी सहूलत हो सके। ये एक पीछे साइड का रोड है जो स्कूल को जाता है, ये स्कूल वाला रोड एक्चुअली, ये देखा जाए तो ये स्कूल वाला रोड है। ये बिल्डिंग का पीछे भी गाले हैं इस एरिया में, ये देखिए यहाँ पर भी गाले बने हुए हैं माशाल्लाह। स्कूल जब खुलती है तो काफ़ी बच्चे आते हैं माशाल्लाह, तो स्कूल के हिसाब से भी अच्छा बिज़नेस हो सकता है यहाँ पे, जनरल स्टोर, स्टेशनरी वगैरह। स्कूल का रोड है और ये अपना दामद गांव का मेन रोड अपना। ये देखिए उसी रोड पर हम दोबारा आ गए। ये दामद गांव का मेन रोड है, हाईवे पर 2 मिनट में आप चल के जा सकते हैं, बस 2 मिनट पर ही आगे मस्जिद भी है, अजान की आवाज़ भी आती है। और हाईवे से शेयरिंग रिक्शा मिलेगी आपको नेरल स्टेशन जाने के लिए, 10 रुपये सीट के हिसाब से। और शेलू स्टेशन भी यहाँ पर 1 किलोमीटर नज़दीक है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। दो दो स्टेशन आपको नज़दीक पड़ेंगे, नेरल और शेलू स्टेशन। ये देखिए ये दाम सारा मंजिल का बोर्ड लगा हुआ है।